सो हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस इज योर होस्ट साइनिंग इन 99 डेडलाइन। तो आज इस वीडियो में गाइस हम बात करने वाले हैं ड्यूरंड कप का फाइनल मैच अपडेट्स, ईस्ट बंगाल रजिस्टर्ड स्क्वाड फॉर आईएसएल एंड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी से रिगार्डिंग कुछ ट्रांसफर न्यूज के बारे में, और साथ में आईएसएल सीजन 9 के लिए एफसी गोवा का न्यू होम जर्सी एंड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का न्यू ट्रेनिंग किट्स भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। But first one more thing, then we start the video. So One Football is an application where you can get all news about your favorite national team and favorite club. Watch live telecast and highlights of all matches. Along with world and European football, you will also get Indian football news and transfer updates. Also here you will get the information about your favorite footballer, match results and live score. So if you are interested in football, then definitely download the One Football application for free. Link is in the description. So go and download the One फुटबॉल एप्लीकेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ईस्ट बंगाल के साथ शुरुआत कर लेते हैं। तो ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने गाइस आईएसएल सीजन 9 के लिए 27 प्लेयर्स को ऑफिशियली रजिस्टर्ड कर लिया है, जहां पर गोलकीपर्स का लिस्ट में शामिल है पवन कुमार, कमलजीत सिंह और नवीन कुमार। उसके बाद डिफेंडर्स का लिस्ट में शामिल है सार्थक गोलोई, मोहम्मद राकिब, इवन गोंजालेस, चरलांबोस क्रियाकू, अंकित मुखर्जी, तुहिन दास, लालचुंग नुंगा, जेरी लालिन ज्वाला, प्रीतम कुमार सिंह और नबी हुसैन खान। मिडफील्डर्स का लिस्ट में शामिल है अमरजीत कियाम, अंगुसना लुआंग, एलेक्स लीमा, सौभिक चक्रवर्ती, जॉर्डन धुआर्थी एंड मुबासिर रहमान। और अपफ्रंट यानी कि फॉरवर्ड लिस्ट के अंदर शामिल है गाइस हिमांशु जांगरा, सुमित पासी, एलियंद्रो दोस सेंटोस, क्लेटन सिल्वा, सेम्बॉय हाउकिप, नावरेम महेश सिंह, वीपी सुहेर एंड अनिकेत यादव। तो यही था गाइस आईएसएल सीजन 9 के लिए ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब का रजिस्टर्ड स्क्वाड। और हमारे नेक्स्ट जो अपडेट्स निकल कर आए हैं गाइस वो जुड़ी है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की तरफ से गाइस यहां पर 4 फॉरेन प्लेयर का साइनिंग ऑफिशियल हो चुका है। 2 फॉरेन साइनिंग अभी भी बाकी है इनका, जिनमें से एक एशियन प्लेयर भी है, और उन दोनों में से पहला फॉरेनर है गाइस एक अफ्रीकन स्ट्राइकर और दूसरा है एक एशियन डिफेंडर, एंड ये दोनों ही प्लेयर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में ऑलरेडी कंफर्म भी है। सो इन दोनों प्लेयर्स का नाम तो अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सोर्सेस जो एशियन डिफेंडर है वो मोस्ट प्रोबेबली डायलन फॉक्स हो सकते हैं। उसके बाद चलिए बात कर लेते हैं ड्यूरंड कप 2022 का फाइनल मैच के बारे में। तो ड्यूरंड कप 2022 का फाइनल मैच गाइस खेला जाएगा 18 सितंबर को युवा भारती क्रियांगन पर बेंगलुरु एफसी वर्सेस मुंबई सिटी एफसी के बीच, जिसका किक ऑफ टाइम है 6 PM। और ये गाइस एक बहुत ही हाई इंटेंसिव मैच होने वाले है। एक तरफ जहां वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन क्लबों में से एक बेंगलुरु एफसी, वही दूसरे तरफ लास्ट 2 सीजन से इंडिया का बेस्ट क्लबों में से एक मुंबई सिटी एफसी। एंड इस फाइनल मैच का प्रीव्यू के बारे में गाइस एक फुल डेडिकेटेड वीडियो सैटरडे को हमारे चैनल पर भी आने वाले हैं। और आखिर में अगर बात किया जाएगा इस एफसी गोवा का न्यू होम जर्सी एंड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का न्यू ट्रेनिंग किट्स के बारे में, तो फिलहाल आप लोग एफसी गोवा का न्यू होम जर्सी एंड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का न्यू ट्रेनिंग किट्स दोनों ही अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि इन फ्यूचर इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रेगुलरली आपको हमारे इस चैनल पर जानने के लिए मिल जाए। तो साइनिंग आउट गाइस and see you again in my next video.